राजनीतिक कार्य प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी के लिए अपने दम पर 370 सीटें हासिल करना असंभव है। फिलहाल पार्टी को लगभग 300 सीटें ही मिलेंगी। प्रशांत किशोर के मुताबिक भाजपा के सीटों में दक्षिण और पूर्व राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव की वोटिंग चल रही है और हाल ही में वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल लेकर पहुंचता है और वोट कास्ट के वक्त वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो वहीं इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि जमानत देने से इनकार करने के निर्णय को सिसोदिया ने चुनौती दी थी, तो वहीं याचिकाएं खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर कहा कि सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर बहुविवाह को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं करेंगे जिसकी कई पत्नियां हों। आपको बता दें कि ये बयान पश्चिम बंगाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान दिया गया। हिमाचल प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार प्रचार में जुटी हैं। कंगना रनौत चुनाव प्रचार के लिए जिला चंबा के पांगी में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी और कोई नहीं, ये लोगों का पैसा खाने के लिए सत्ता चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का मंत्र है विकास भी विरासत भी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अभी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, अब तो निषाद राज के शंगवेरपुर का विकास भी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कश्मीर घाटी नए चुनावी रिकॉर्ड बना रही है। आपको बता दें कि संसदीय चुनाव के चौथे और पांचवें चरण के दौरान श्रीनगर और बारामूला लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स के भारी मतदान के बाद अनंतनाग राजौरी सीट पर भारी वोटिंग की उम्मीद है, जहां 25 मई को मतदान होना है। सिंगापुर में कोरोना की नई लहर से दुनिया भर के देश चिंतित हैं। अब पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना के जिन वेरिएंट ने तबाही मचाई है, उसके मामले भारत में भी मिले हैं। भारत में कोरोना के मामले पर निगरानी रखने वाले इंडियन सार्स कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के डाटा के अनुसार भारत में कोरोना वेरिएंट KP1 के 34 और KP2 के 290 मामले सामने आए हैं। गोवा सरकार के विभाग ने बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाती है। लोकसभा चुनाव के बीच सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। राजनाथ सिंह ने सवाल पूछा कि भारत के जिस नेता की पाकिस्तान द्वारा तारीफ की गई है, क्या ऐसे नेता को सरकार बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए।